महाप्रभु जगन्नाथ हेउछंती कोटी ओडियांकर मौड़मणि। महाबाहुंक समस्त लीला अत्यंत विचित्र आउ अलौकिक। महाप्रभु जगन्नाथ खाद्य प्रिय ठाकुर होइथिबारु नित्य तांक निकटरे 60 पौटी आउ 56 भोग मोहणी करा जायथे। आम महाप्रभुंक निकटरे लागी करा जाउथिबा प्रसाद मध्यरु पखाळ हेउछि अन्यतम। ठाकुरंक निकटरे विभिन्न प्रकार पखाळ लागी करा जायथे, जेपरिकि घिओ पखाळ, दही पखाळ, चिपुड़ा पखाळ, सुबासित पखाळ ओ मल्लीफुल पखाळ, एमिति अनेक पखाळ महाप्रभु खाइथान्ति। कोटी ओडियांकर मौड़मणि ठाकुर होइथिबारु ओडियांक अति प्रिय खाद्य पखाळकु से मध्य अंगीकार करिछन्ति। साधारणतः आमे माने सकाळे बा दीपर समय रे पखाळ खाइथाउ, किंतु कालिया सांत रात्रि समय रे पखाळ खाइथान्ति। बड़ सिंहार बेश परे महाप्रभु पखाळ खाई सुख निद्रा जाइथान्ति। जीरा, अदा, शर्करा, दही, घृत आनुषंगिक परिमाण रे लवण पड़ी माटी पात्र रे पखाळ ओळीर महाप्रभुक निकटरे पखाळ निवेदन करा जायथे, जहाँ सुपकार माने अत्यंत पवित्र भावर सहित प्रोसशाला रे स्वतंत्र भावरे प्रस्तुत करिथान्ति। ओडिया पण को कृतार्थ करुथिबारु महाप्रभुक निकटरे पखाळ मुहणी करा जायथाय। महाप्रभुक निकटरे लागी करा जाउथुबा विभिन्न प्रकार पखाळर प्रस्तुति प्रणाली मध्य स्वतंत्र होइथाय, जेपरिकि सुबास पखाळ। प्रथमे कुडुआरे अन्न रंधा होइ सारिबा परे सेथिरे पाणी मिसा जाय। एथिरे स्वाद अनुजाई लुण मिसा जाय, कटा अदा, भजा जीरा पकाई प्रसाद भाबरे परसा जाय। एहा सुगंधित अन्न होइथिबारु एहार नाम सुवासित पखाळ अटे। चिपुडा पखाळ, रंधा होइथिबा अन्न को भल भाबरे चिपुडी दिया जाय। एहा परे सेथिरे भजा जीरा, लुण ओ दही मिसाई माटी कुडुआरे महाप्रभु को लागी करा जाय। अन्न चिपुडा होइथाय बोली एहार नाम चिपुडा पखाळ। दही पखाळ, सुखिला अन्न रे केवल दही पखाई गोळाई दिया जाय। एथिरे दही रो मात्रा अधिक थाए एवं एथिरे भजा जीरा ओ अदा पका जाय थाए। एथिरे अधिक परिमाण रो दही पडुथिबारु एहार नाम दही पखाळ अटे। महाप्रभुंकर आउ एक प्रिय पखाळ हेउछि मल्लीफुल पखाळ। एही पखाळटी दही पखाळ परी प्रस्तुत होइथाय, किंतु एहाकु सुवासित करिबा पई एथिरे मल्लीफुल पड़ी ठाकुरंक निकटरे लागी करा जाय। मल्लीफुल पखाळ खाई मल्लीवासरे ठाकुर मानंक मन प्रफुल्लित होय। घिओ पखाळ, साधा अन्नरे लुण, अदा खंड, दही एवं भजा जीरा सहित एथिरे घिओ मिसा जायथाय, जाकु श्रीमंदिरर पारंपरिक परिभाषा घिओ पखाळ कहुछन्ति। रिपोर्ट खबर ओडिशा।